दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। आज देखिए मैं आपसे को बताने वाला हूँ कि अब सर्दियों में आप किन किन फूलों की बीज लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी वैरायटी मैं आप आज लाया हुआ हूँ आपके लिए। देखिए शुरुआत करते हैं। क्रिसेंथिमम को गुलदाउदी भी बोलते हैं। इसकी दोनों तरह की वैरायटी होती है, कटिंग से लगने वाली भी और सीड से ग्रो होने वाली भी। तो आप इसकी दोनों ही वैरायटी अब लगा सकते हैं। तो अगर आपने सीड अभी बुआई नहीं की है तो अब आप चालू कर सकते हैं सीड की बुआई करना। देखिए इसकी और भी वैरायटी मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से भी आता है, ये प्योर वाइट कलर में, मतलब ऑफ वाइट कलर में या क्रीम कलर में। और इसके और देखिए ये वाली भी वैरायटी है इसकी, इसको बबूना भी बोलते हैं। तो आपको जो भी वैरायटी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका सीड अभी ग्रो कर लीजिए, पौध तैयार हो जाएगी, फिर आप उनको दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। कम से कम 10 इंची गमले में एक आप प्लांट रखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। चलिए दूसरा प्लांट की मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, गजानिया। गजानिया भी बहुत अच्छा प्लांट है सर्दियों का, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे वाइब्रेंट कलर में ये आता है अलग अलग। तो इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या डायरेक्ट आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। 20-25 रुपए में इसकी पौध मिल जाती है, एक प्लांट तैयार हुआ तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तीसरा जो प्लांट है वो है ये साल्विया है। तो साल्विया भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये भी, रेड कलर में और कई कलर में ये अवेलेबल होता है। तो आप साल्विया भी उगाएं। डाइमॉर्फोथीका, ये मेरा फेवरेट प्लांट है और ये बहुत हार्डी होता है और इसको ज़रूर लगाएं आप। ये क्रिसेंथिमम ये सब बहुत हार्डी होते हैं और बहुत आराम से उग जाते हैं, तो आप ज़रूर लगाएं डाइमॉर्फोथीका। ये फिर से गजानिया है। डायंथस की भी कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, तो डायंथस या डायरेक्ट नर्सरी से भी ला सकते हैं। और ये होलीहॉक है, होलीहॉक का भी अभी कुछ समय बाद आप बीज ग्रो कर सकते हैं, ये भी बड़े आराम से तैयार हो जाता है। ये बहुत 5-5, 6-6 फिट के हो जाते हैं इसके प्लांट और बहुत सुंदर इसका फूल लगता है, स्पाइक निकलती है उस पर लगते हैं। और गेंदा तो हमारा फेवरेट है ही है। गेंदे की कई तरह की वैरायटी आती हैं दोस्तों, और देसी छोटे वैरायटी वाला और बड़ी वैरायटी भी आती हैं। तो आप जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसके बीज डाल दीजिए और सर्दी में आपकी आपके बगीचे में बहुत सुंदर कलर वाले गेंदे आपको मिलने वाले हैं। स्वीट विलियम है, तो अभी आप स्वीट विलियम को भी उगा सकते हैं। कैंडिडा, ये भी बहुत सुंदर लगता है और वाइट कलर में इसका फ्लावर होता है छोटे छोटे, तो आप इसको भी लगाएं या फिर अभी कुछ समय बाद ये नर्सरी से आप ला सकते हैं इसकी पौध। फ्लॉक्स भी बहुत अच्छा फ्लावर है। और डहेलिया भी बहुत हार्डी है और आप अगर बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं और ये रूट से भी लगता है, दोनों तरीके से ही लगती है। इसकी दो अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, सीड वैरायटी अलग होती है और रूट वाली वैरायटी अलग होती है। तो रूट से जो लगाई जाती हैं वो जो है वो बड़ी वैरायटी होती हैं और ये थोड़ी छोटी होती है। तो आप कोई बहुत सारे कलर में अवेलेबल है और बहुत ही सुंदर लगता है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, तो आप ज़रूर लगाइए इस फ्लावर को। अगला जो प्लांट है वो है हमारा कैलेंडुला। कैलेंडुला में भी 3-4 कलर में ये अवेलेबल होता है, मोस्टली 2 कलर में ज़्यादा आता है, ये ऑरेंज कलर और येलो कलर। तो आपको जो भी कलर अवेलेबल हो ज़रूर लगाइए। और इसकी भी दो तरह की वैरायटी होती हैं, मिक्स डबल वाली वैरायटी और या मल्टी पेटल वाली और डबल पेटल वाली। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत मेरा फेवरेट है, तो इसे ज़रूर लगाइए आप और ये बहुत फ्लावरिंग करता है। इसके बाद जो है सिनेरेरिया, ये अभी थोड़ा सर्दियों में होगा तो अभी आप इसके बीज डाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने क्रिसेंथिमम बता ही दिया है, बबूना इसको भी आप ज़रूर लगाइए। नेस्टर्शियम भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है सर्दियों का, फ्लावर है, बहुत फ्लावरिंग होती है, इसकी बेल टाइप की होती है
और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें भी, 4-5 कलर अवेलेबल होते हैं, तो आप भी इसके बीज ज़रूर लगाइए, बहुत सुंदर गार्डन का लुक देगा ये। एस्टर, एस्टर भी बहुत ही सुंदर फ्लावर है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पैंसी, पैंसी भी बहुत खूबसूरत लगते हैं गार्डन में खिलने के बाद, ये नर्सरी से भी आप इसकी पौधा ला सकते हैं और घर पर बीज से भी लगा सकते हैं, बीज से भी आराम से लग जाता है। बबूना मैंने बता ही दिया है, पैंसी की मैंने बता ही दिया। आइस प्लांट, आइस प्लांट भी मेरा फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा उगता है फरवरी के मंथ में, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है गर्मियों में, फुल सन का में रखिए और बहुत ही सुंदर लगते हैं गर्मी में, जब धूप निकलती है तो ये बहुत सुंदर चमक, इनमें एक अलग ही चमक आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पैंसी मैंने बता ही दिया आपको, सिलोसिया भी लगा सकते हैं आप, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, और नेस्टर्शियम मैंने बता ही दिया, और कैलिफोर्नियन पोपी भी लगा सकते हैं आप, ऑर्नामेंटल पोपी, ये भी बहुत सुंदर लगती है। कैलेंडुला डबल मिक्स वैरायटी या मल्टी पेटल वाली दो वैरायटी, ये भी मैंने आपको बता दिया, कैलेंडुला भी आप ज़रूर लगाइए, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, डेहलिया की वैरायटी है ये भी। तो ये सारे प्लांट दोस्तों आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, आपको जो भी बीज अवेलेबल हो जाए, आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, नहीं तो प्लांट्स की नर्सरी होती हैं हर शहरों में, नर्सरी से भी ला सकते हैं, या फिर दुकानें भी होती हैं शॉप्स जिन पर खाद बीज मिलते हैं, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आप ये सब पौध नर्सरी में भी अवेलेबल हो जाती है, तो नर्सरी से पौधे लाकर भी आप लगा सकते हैं। तो ये सर्दियों वाले जो फ्लावर होते हैं इनको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मिट्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करें और बहुत अच्छा आप खाद डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है, और फुल सन में ही रखना है आपको। तो मैं जो भी लगाऊंगा, मेरे पास गमले अभी खाली नहीं हैं, तो मैं जो भी कुछ लगाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा, तब तक के लिए आप बीज कलेक्ट कर लीजिए अपना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार, धन्यवाद।